और चलिए सीधे रुक करेंगे जयपुर के टेक्नो हब का, जहां पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो टेक्नो हब की तस्वीरें, हब की तस्वीरें आपको ये हम दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। भामाशाह टेक्नो हब की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हुए, और जिस तरह से डेटा सेंटर की बात यहां पर कही जा रही है, उसी का एक तरह से कहा जा सकता है निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। जानकारियां ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और किस तरह से आगे इस दिशा में काम किया जाएगा इसको लेकर ये तमाम चर्चाएं यहां पर हो रही हैं। कुछ अधिकारी भी आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं। भामाशाह टेक्नो हब की ये तस्वीरें आपको इस वक्त सीधे दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। डेटा सेंटर की भी इसके बाद वो विजिट करेंगे। तो कुल मिलाकर आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो कुछ कार्यक्रम हैं वो अशोक गहलोत के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भामाशाह टेक्नो हब पहुंचे हैं, डेटा सेंटर भी वो पहुंचेंगे, वहां पर भी निरीक्षण करेंगे। तो देखिए वहां पर जो मौजूद कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारियां ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी भरत ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। भरत, जरा तफसील से बताइए कि क्या है ये आज का कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। भरत, क्या है ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम, और इसके बाद बताया जा रहा है कि डेटा सेंटर भी जाएंगे अशोक गहलोत। चलिए संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि जयपुर से ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हम दिखा रहे हैं। भामाशाह टेक्नो हब पहुंचे हुए हैं, और टेक्नोलॉजी की दिशा में प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा है इसकी जानकारियां ले रहे हैं। टेक्नो हब के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो अलग अलग जानकारियां उन्हें दे रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं टेक्नो हब, और इसके बाद बताया जा रहा है कि वो डेटा सेंटर भी जाएंगे, और झालना में का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेंटर बनाया जा रहा है। आईटी विभाग की ओर से यह डेटा सेंटर तैयार किया गया है। अलग अलग तरह के डेटा यहां पर एकत्रित किए जाएंगे, और ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब से सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। और अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से यहाँ पर इस टेक्नो हब में तैयार की गई हैं चीज़ें, उपकरण तैयार किए गए हैं, उन्हीं का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं, किस तरह से वो आगे आने वाले समय में उपयोग में लाई जाएंगी, यही चर्चाएं मुख्य तौर पर चल रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि डेटा सेंटर भी जाएंगे, और वहाँ पर भी निरीक्षण करेंगे, जानकारियाँ लेंगे। तो आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं जयपुर के ये टेक्नो हब की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि उम्रदराज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और आज की टेक्नोलॉजी से अपने आप को किस तरह से वो बैलेंस कर रहे हैं ये तस्वीरें वो भी बयां करती हैं। जी राजस्थान एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि डेटा सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टार्टअप तैयार किया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा, और इससे रोजगार को भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जब टेक्नो हब के बाद वो डेटा सेंटर पहुंचेंगे, वहां पर सबसे बड़ा स्टार्टअप शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के तमाम ऐसे युवा हैं जिन्हें जिनके लिए नौकरियों के अवसर आगे आने वाले समय में खुलेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब से हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का
अलग अलग जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं टेक्नो हब में, उनका निरीक्षण कर रहे थे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें लगातार आज कुल मिलाकर अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये रहने वाला है। अभी भामाशाह टेक्नो हब पहुँचे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत, इसके बाद डेटा सेंटर जाएंगे और डेटा सेंटर का भी विजिट करेंगे, वहाँ पर भी एक तरह से निरीक्षण करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि झालना में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेंटर खुलने जा रहा है, जो राजस्थान के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है। प्रदेश के झालना में ये सबसे बड़ा स्टार्टअप खोला जाएगा और उसी के तहत डेटा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। आईटी विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, आगे आने वाले समय में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, उन तमाम चीज़ों की जानकारियां लेते आपको यहां पर मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। आईटी विभाग की ओर से ये डेटा सेंटर जो है तैयार किया गया है, इसका निरीक्षण करने भी यहाँ के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जी राजस्थान इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी भरत राज ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। भरत, जरा तफसील से बताइए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये क्या एक्चुअली में कार्यक्रम है और इसके बाद का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि डेटा सेंटर भी जाएंगे वहां पर, वहां पर भी निरीक्षण करेंगे, आईटी विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया इस पूरे कार्यक्रम का? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भामाशाह टेक्नो हब में पहुंचे हैं, जहाँ जालाना में स्थित है और यहाँ पर विभिन्न वीडियो गेम्स हैं। वर्टिगो जो एक चैलेंजिंग गेम था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर देखा है। उन्होंने खुद महसूस किया कि इस तरह से गेम के जरिए अपन विभिन्न बिल्डिंगों के जरिए पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही एक हैंग ग्लाइडर एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग वाला वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर देखा। इसके साथ अन्य एक साथी है, उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया और देखा किस तरह एक फ्लाइंग का एक अनुभव यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये तमाम जो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ कर आकर उनका अनुभव ले सकते हैं, इनकी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जानकारियां आप इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पास में एक डाटा सेंटर है जहाँ पर जाएंगे तो 30 साल तक जो सरकार की तमाम जो डाटा है वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। इसका डाटा सेंटर सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पर जाएंगे और इसका भी यहाँ पर विजिट करेंगे। अभी टेक्नो हब में मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद है, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता मौजूद है, इसके साथ ही अन्य तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ, और वो इस समय यहाँ पर टेक्नो हब का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो फैसिलिटी है टेक्नो हब की वो यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो भी यहाँ पर वीडियो गेम्स और तमाम जो फैसिलिटी है टेक्नो हब में स्टूडेंट्स के लिए उनको वो देख रहे हैं। तो एक तमाम फैसिलिटी बच्चों के लिए यहाँ पर हो सकती है। इस तरह से मुख्यमंत्री एक एक चीज का यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है उसका यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ एक वीडियो का हम अभी वो देख रहे हैं क्रिकेट का, किस तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे प्लेइंग कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, अन्य गेम खेल सकते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है, उन सभी तमाम जो चीजें हैं उनका वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट के लिए बेहतर हो सकती है। जी जी, यानी कुल मिलाकर भरत, कहा जा सकता है कि आज के दौर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश यहां पर अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर इसके बाद लगभग कितने बजे तय किया गया है कार्यक्रम, जब वो डेटा सेंटर जाएंगे निरीक्षण करने? निश्चित रूप से तमाम जो यहाँ पर डिजाइनिंग की गई वीडियो गेम की बच्चों के लिए, उसमें कार रेसिंग है, अन्य वीडियो गेम है, वो दीवार से दीवार पर छलांग लगाना जो इस तरह से गेम है जो बच्चों को काफी आकर्षित करते हैं, इस तरह के गेम यहाँ पर डिजाइन किए गए और उनका वो विजिट करें किस तरह से इसमें और इसे बेहतर किया जा सकता है। इसी के साथ एरोप्लेन किस तरह से अपन बैठते हैं बच्चों के लिए, वो चीजें यहाँ तमाम जो चीजें हैं फोटो स्टेशन है वो यहाँ पर बनाए गए हैं बच्चों के लिए, जो आकर्षित करते हैं और बच्चों को लुभाते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में वो बच्चों के लिए जानकारी देते हैं किस तरह से रोबोट काम करते हैं, रोबोट के जरिए क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं, इस तरह की तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके साथ ही अब कुछ देर बाद जब यहाँ से वो फ्री होंगे डाटा सेंटर का भी विजिट करें जहाँ पर काम चल रहा है, उनका भी वो निरीक्षण करेंगे और किस तरह से उसमें फैसिलिटी और बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जी जी, साथ ही भरत, अगर डेटा सेंटर की बात हो रही है तो फिर झालना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेंटर खुलने जा रहा है, जो प्रदेश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत गर्व की बात है।
निश्चित रूप से प्रदेश का एक बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर डाटा सेंटर खुलने जा रहा है, क्योंकि आईटी के क्षेत्र में आईटी का जमाना है, सभी डाटाओं का सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है और सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया डाटा सेंटर खोल कर, ताकि तमाम डाटा सरकार के पास आते हैं तो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। टेक्नोलॉजी में जिस तरह के डाटा एकत्रित होने लगे हैं सभी चीजों के, उन डाटाओं को सिक्योर रखना भी एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से डाटा सेंटर उनके लिए बड़ी मिसाल कायम होगा और सरकार के लिए तमाम जो डाटा है उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा। बिल्कुल भरत, और जिस तरह से ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेंटर खुलेगा, क्या ये माना जाए कि प्रदेश के जो युवा हैं जो बाहर दूर दराज दूसरे प्रदेशों में इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो फिर उनके लिए अपने ही प्रदेश में वापस आकर नौकरियों के जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलेंगे, ज्यादा अवसर खुलेंगे? निश्चित रूप से जो डाटा सेंटर डाटा आई टी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से नौकरियों में अवसर मिलेंगे और तमाम जो भी डाटा सेंटर की जगह आईटी से जुड़े लोग हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पर अवसर मिलेगा। अभी जब दबा संभावना से टेक्नोलॉजी बनाया तमाम लोगों को रोजगार मिला है, इसके निश्चित रूप से आने वाले डाटा सेंटर काम करेगा, रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और जो सरकार की डाटा सेंटर स्वस्थ रखने की जो जिम्मेदारी वो भी पूरी हो सकेगी। भरत, कितने बजे के आसपास पहुंचेंगे अशोक गहलोत वहां पर? देखिए अभी बामा से टेक्नो हम में तमाम जो वीडियो गेम है उनका अभी वो विजिट कर रहे हैं, उसके बाद अधिकारी से एक बार चर्चा करेंगे किस तरह से इसमें और चीजें सुधार किया जा सकते हैं। अभी माइंड वेयर बैलेंस गोल इस तरह के गेम यहाँ पर रखे गए उनका जो विजिट कर रहे हैं और जब यहाँ से फ्री होंगे इसके बाद वो डाटा सेंटर उनका जाने का कार्यक्रम है। वीडियो रेसिंग गेम है, एयरप्लेन सीटर वाला गेम है, उस तरह से तमाम जो फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है उनका एक एक करके विजिट कर रहे हैं ताकि इसमें और कोई बेहतरी की संभावना हो तो उनको बढ़ाया जा सके और स्टूडेंट्स को उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके और इस तरह से वो एक प्लान भी कर सकते कि इस तरह से एक एक सप्ताह में दो दो स्कूलों को बच्चों को यहाँ पर विजिट भी कराया जा सके। जी जी ठीक है भरत, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो टेक्नोलॉजी का जायजा लेते हुए किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और स्कूली बच्चों को किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का लाभ मिले इस पर निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। और डेटा सेंटर की अगर हम बात करें और साथ ही झालना में जो सबसे बड़ा स्टार्टअप सेंटर बनने जा रहा है भरत, उसका काम कहाँ तक पहुंचा है ये भी निरीक्षण करने जाएंगे मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को इनका लाभ मिले और अभी जब यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तमाम, इसके बाद वो डेटा सेंटर का निरीक्षण करें क्योंकि हम वहाँ पर अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है और उसमें किस तरह से काम अब तक पूरा हो चुका, कब तक कंप्लीट होना है, इसी को लेकर वो अधिकारी फीडबैक लेंगे। तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्य सचिव जी दूसरा समेत जो आई टी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और स्पेशल जो सीमो में लगे हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो तमाम जो कमियां दिख रही है वो भी अधिकारियों को बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें और बेहतर किया जा सकता है और अधिकारी भी लगातार उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से इसमें और संभावनाएं हैं, जो उनका प्लान है उनके मन में जो है वो सीएम से रूबरू हो रहे हैं कि किस तरह से इसमें और बेहतर किया जा सकता है। भरत, ये तो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे ही, लेकिन अगर हम बात करें झालना की जहां पर देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप खुलने जा रहा है, वाकई में उसका काम कहां तक पहुंचा है और कितना समय और लग सकता है, क्या ये वो तमाम जानकारियां आपके पास हैं भरत? देखिए निश्चित रूप से ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जल्दी ही डाटा सेंटर का शुभारंभ ये सरकार करेगी। अब उसी काम में कितने प्रगति हुई उसी का आज सीएम जायजा लेने आए हैं और जैसे ही वो काम पूरा होगा सरकार की प्राथमिकता ठीक है भरत, क्योंकि लगभग पूरा दिन ये दौरा चलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, नजर आप बना के रखिए समय समय पर।